रहा बंटी। ये रघु भैया। रघु भैया इतने सारे मिठाई क्यों लाए? कोई फेस्टिवल है क्या? हाँ, मेरी बहन की शादी पक्की हो गई है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, मिठाइयाँ तो बनती हैं। लेकिन रघु भैया शादी क्या होती है? इधर आओ बैठो। शादी शादी शादी, हाँ, एक लड़का और एक लड़की होते हैं, वो धीरे धीरे पास में आते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं और हमेशा के लिए साथ में रहते हैं। तब तो हमारी प्रीति दीदी की भी शादी होगी ना? हाँ, उनकी भी होगी ना, उनके साथ कोई ना कोई तो रहेगा। लेकिन शादी के बाद तो लड़कियाँ लड़कों के घर चली जाती हैं। प्रीति दीदी चली जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे हम? नहीं नहीं, प्रीति दीदी हमें कहीं नहीं छोड़ के जाएगी। रघु भैया अभी प्रीति दीदी से शादी कर लो ना। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, फिर दीदी भी हमारे साथ ही रहेंगी। और आप भी हमसे मिलने रोज आते रहना और प्रीति दीदी से भी मिल लेना। या फिर आप भी हमारे साथ रह जाना ना। ओके, बहुत रात हो चुकी है, चलो सब जाके सो जाओ। चलो जाओ जाओ। सारे बच्चे यहाँ थे पर गौतम कहाँ है? उसे मिठाई खिला के आता हूँ मैं। वो सो रहा है। इतनी जल्दी? हाँ, वो बहुत परेशान है। आज उसने खुद को मारने की कोशिश की। क्या वो ठीक है? प्यार हो गया उसे, और जिस लड़की से वो प्यार करता है उसकी शादी किसी और से होने वाली है। बस यही वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने। तुम टेंशन मत लो, लड़की वालों के घर पर जाके हम बात करेंगे ना। नहीं, वो लड़की बहुत बड़े घर से है और हम इतने गरीब। गौतम ने कहा कि उसकी फैमिली गौतम को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सही कहते लोग, अमीर लोग बहुत मतलब है। सुन प्रीति, हमारे खानदान में एक रस्म है, जब भी हमारे यहाँ शादी होती है तो दूल्हे की साइड से कोई भी एक फैमिली मेंबर हमारे कुल देवता के सामने ये दिया जलाता है, और तुम गौतम की फैमिली से हो तो तुम ये रस्म पूरी करोगी? हाँ, क्यों नहीं, कहाँ जाना होगा? जहाँ से जंगल शुरू होता है वहाँ एक पीपल का पेड़ है, उसी पवित्र स्थान पे हमारे कुल देवता का स्थान है, बस तुम्हें वहाँ जाके ये दिया जलाना है। जी। अब ये दिया जलेगा या तेरा असली रूप, ये तो जंगली बताएगा। प्रार्थना। रुको, वो नागिन आती ही होगी। जैसे ही वो नागिन आएगी ना, तुम लोग अपनी ये जो बीन है ना, वो बजाना शुरू करो। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, मैं कह देती हूँ तुम लोगों को यही जिंदा गाड़ दूंगी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, एक एक पेड़ के पीछे छुप जाओ। अरे वरे मेरी नीली नागिन, आखिर तो तूने अपना काम कर ही दिया। जगह तो यही बताई थी मैग जी ने। तू है? बोल। मैग तो अपना काम करके ही निकल गई, और तू अपना काम कर। अपना काम भी ना फुल ऑन और परफेक्ट है, देख।
लिए उस महल के पास वाला रास्ता है। शायद मुझे यहाँ कोई मिल जाए जो मुझे पहचान ले और मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ बता दे। भैया, आपने मुझे पहले कभी देखा है? मतलब इस साड़ी में मुझे पहले कभी देखा है? जी नहीं। भैया, आपने मुझे पहले कभी देखा है क्या? आप जानते हैं मुझे? कैसे पता लगा वो अपने अतीत के बारे में? पर पता तो लगाना ही होगा, क्योंकि जब तक अतीत सामने नहीं आ जाता तब तक पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप मुझे जानती है क्या? सुन, एक अच्छी देखी है, एकदम फैंटास्टिक। एक घंटे में गोविंदपुरी के पास लेके पहुंचता हूं। अरे सुधा, तुम? आप मुझे जानते हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे हैं, कितना ढूंढा उन्होंने तुम्हें। कहाँ थी तुम? मेरे माँ बाबा वो हैं? हाँ हाँ, तुम उनके साथ हमेशा यहाँ के मंदिर आया करती थी। चलो, मैं तुम्हारे माता पिता के पास लेके चलता हूँ। हाँ आओ। फंस गई मछली जाल में। आज की रात महारात है, आज 9 ग्रह एक साथ आएंगे। उनकी शक्ति से महाशेष नाग इनकी 9 मणियों की शक्तियां इतनी दब जाएंगी कि आज आधी रात तक काम नहीं करेंगे। हे महादेव, आज प्रार्थना किसी मुसीबत में ना फंसे तो अच्छा है, क्योंकि आज उसके अंदर की महाशेष नागिन भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। और कितनी दूर चलना होगा? बस बस, थोड़े दूर और बस। स्वागत नहीं करोगी हमारा? कौन कौन है आप? शेषा, रानियों की रानी। मेरा काटा मांगे ना पानी। अब तुमने इतनी तबाही मचा रखी थी तो मैंने सोचा कैसे रोकूं, तो बस आ गई प्रथा के रूप में। और मैं यहां आई हूं सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी मदद भी करने आई। एक वक्त था प्रार्थना, जब मैं भी महक जैसी एक बहुत बुरी नागिन थी। मुझे शक्तियां चाहिए थी और उन शक्तियों को पाने के लिए मैंने बद से बदतर काम किए। लेकिन जो दिल में सुकून होना चाहिए वो सुकून नहीं मिला मुझे। फिर मैंने सोचा कि जो शक्ति शिव जी ने मुझे दी है एक नागिन की, उन शक्ति से मैं कुछ अच्छा काम करूं। लेकिन शिव जी मुझे मौका ही नहीं दे रहे थे कुछ अच्छा काम करने का। तो अब जब तुम्हारी क्रोध की ज्वाला ने जलजला मचा दिया, मैंने सोचा यही मौका है एक अच्छा काम करने का, तो आ गई तुम्हारी मदद करने में। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, ना ही मुझे किसी से बदला लेना है, ना ही कोई लड़ाई जीतनी है। मैं इस जीत हार से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। अच्छी बात है, जो तुम जीत हार से बहुत ऊपर पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस लड़ाई से ऊपर नहीं आ सकती तुम। तुम्हें ये लड़ाई लड़नी होगी। तुम खुद ही देख लो, तुम महक से डर के गई थी ना, नियति ने तुम्हें उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। और रही बात दर्द की, तो अच्छाई के रास्ते में हमेशा दर्द मिलता है। भगवान राम को ही देख लो, रावण के विनाश में उन्होंने कितना दर्द सहा, अपने पिता को खोया, वनवास सहा, पत्नी वियोग सहा, लेकिन वो अपने कर्म से कभी नहीं हटे। और तुम भी किसी मकसद के लिए पैदा हुई हो, और तुम अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हट सकती।